नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मसूर दाल के पकौड़े, जो बनते तो एकदम क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से एकदम नरम दिल कबाब की तरह होते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना है मेरा पकौड़ा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। एक बाउल में मैंने मसूर दाल ले लिया है, इसे मैंने अंकुरित करके रखा है। आप चाहे तो स्प्लिट मसूर दाल जो आता है ऑरेंज कलर का, वो भी ले सकते हैं। अब एक मिक्सी जार में मैं इस मसूर दाल को बिल्कुल दरदरा पीस दूंगी। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा तेल खींच लेंगे। देखिए मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है, एक बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटा हुआ कांदा, इसमें कुछ जाएंगे अदरक, फिर जाएंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, सौंफ और सूखे मसालों में मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया और नमक। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मिक्सचर बिल्कुल ड्राई है, इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं है। याद रखिए पीसते वक्त आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो चलिए अब हम अपनी एक कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, उसे गर्म करने रख देते हैं। देखिए तेल यहाँ गर्म हो रहा है, मेरा जो गैस है वो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही है, ज़्यादा हाई गैस पर इन पकौड़ों को हम नहीं तलेंगे। देखिए अभी छोटे छोटे बॉल्स लेके मैंने इस तेल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। ये पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं, केचप और हरी चटनी के साथ इसे ज़रूर खाइए। देखिए अब मैं इसे फ्राई होने डाल रही हूँ, बहुत छोटे छोटे बॉल्स ही डालिए, ज़्यादा बड़े मत डालिए वरना बहुत टाइम लग जाएगा फ्राई होने में। और फ्लेम जो है एकदम मीडियम टू लो पर ही रखना। देखिए मेरे सारे पकोड़े अब सिक रहे हैं, अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ गया है और 2.5 मिनट के बाद आप देखेंगे अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कैसे लगते हैं। अब दूसरा बैच में फ्राई कर देती हूँ फटाफट से। देखिए पानी की मात्रा बहुत कम थी मेरे बैटर में, इसीलिए ये ज़्यादा तेल भी नहीं खींच रहा है। देखिए एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारा मेरे मसूर दाल के पकौड़े बहुत ही अच्छे लगे और ये बिल्कुल तैयार है केचप और चटनी के साथ खाने के लिए अपने चाय के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।